हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सूप। सूप में सभी प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूप बनाना। मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मक्खन। और अब मक्खन को थोड़ा पिघलने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बटर पिघल गया है, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन। और 1 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक। और अब हम इन्हें थोड़ा चला लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब चलाते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा कप प्याज। अब प्याज को भी हम ऐसे ही चला लेंगे, पर ध्यान रहे कि हमें प्याज को भूनना नहीं है, बस इसे ट्रांसलूसेंट तक होने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे हम सारी सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 स्मॉल कप बीन्स। एक छोटा कप फूल गोभी का, एक छोटा कप शिमला मिर्च, एक छोटा कप पत्ता गोभी। याद रहे हमें डालने से पहले पत्ता गोभी को वॉश जरूर करना है। एक छोटा कप गाजर और आधा छोटा कप कॉर्न का। अब हम इन सभी सब्जियों को मिला लेंगे और इन्हें अच्छे से थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। सब्जियों को सॉटे होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं 1 छोटा कप कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर हम एंड में ही डालेंगे क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। आपके पास घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो, आप उसी का सूप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। नमक डालने से सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका क्रंच भी बना रहेगा। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून काली मिर्च। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 लीटर पानी। अब हम इन सारी सब्जियों को पानी के साथ मिक्स करेंगे और साथ में कर देंगे फ्लेम को हाई। और एक उबाल आने तक हम कढ़ाई का कवर लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बॉईल आ चुका है, तो अब फ्लेम को मैं थोड़ा मीडियम पे रखूंगी और कम से कम 10 से 11 मिनट के लिए पकने दूंगी। सूप को पकते हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट जैसा सूप बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 छोटी कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो हट जाएं। अब आप देख सकते हैं ये स्लरी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इस स्लरी को धीरे धीरे सूप में ऐड करूंगी। और अब इस स्लरी को धीरे धीरे हमें इस सूप में मिलाना है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही ये घोल सूप में जा रहा है, तो सूप का टेक्सचर भी चेंज हो रहा है। सूप अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1/2 टेबल स्पून हर्ब्स और 1/2 टेबल स्पून
चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आप इसे ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब सूप रेडी है, तो अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर वो इस सूप को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उनका वेट जल्दी से कम होने लगता है। इससे एनर्जी भी बनी रहती है और बॉडी भी हाइड्रेट रहती है। ये देखिए, सब्जियों से भरा वेजिटेबल सूप रेडी है। अब इसे गार्निश करते हैं हरे धनिये से। आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।